फिंगर बेस्ट कस्टम HOD। यही नहीं गाइस, अगर एक फास्टली मूवमेंट अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग 2 फिंगर HOD में भी कर सकते हो एंड एक फास्टली लेवल का मोमेंट पर शॉट मार सकते हो। सो यस गाइस, यार इस वीडियो में मैंने कवर किया कि आप लोग किस तरीके से एक OP लेवल के 2 फिंगर कस्टम HOD बना सकते हो एंड यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम 2 फिंगर बेस्ट HOD बताने वाला हूं। इसको अगर आप लोग अपने गेम में फॉलो करते हो इस HOD को तो गाइस यार आप लोग एक इजीली तरीके से 2 फिंगर प्लेयर होते हुए भी आप लोग एक OP लेवल का लीजेंड प्लेयर की तरीके से मूवमेंट एंड वन टैप मार लोगे। सो गाइस यार वीडियो को पूरा देखना एंड हां गाइस यार अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ऑलमोस्ट लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यार सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से एंड यार यहां पे राइट साइड से सारे बटन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं एंड यार जो ऑलमोस्ट राइट साइड में लगने वाले बटन है उसको हम लोग लगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे गन के आइकन को एंड यार गन के आइकन को ऑलमोस्ट आप लोगों को पूरी साइज की बात की जाए तो आप लोगों को 70 तक कर देना है। 70 करने के बाद आप लोगों का फिक्स जिस जगह पे रहता है गन का आइकन उसी जगह पे आप लोगों को फिक्स कर देना जिस तरीके से मैं कर। यहाँ पे मैंने इस गन के आइकन को फिक्स कर दिया एंड अभी हम लोग लेंगे स्कोप की बटन को। स्कोप की बटन की गाइस यार आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को सीधा जस्ट यार जिस गन के आइकन के जस्ट नीचे रखना है जिससे थोड़ा गैप रहे ऑलमोस्ट आप लोगों को उसी के बाजू में नीचे साइड में रख देना जिससे यार आप लोगों को जितना 2 फिंगर में HOD में आप लोगों को बैकग्राउंड जितना एरिया मिल जाए उतना ज्यादा बेटर होता है जिससे आप लोगों को एक फास्टली तरीके से मूवमेंट होगा एंड यार आप लोगों का जो फिंगर होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ने स्कोप के बटन को यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड बेस्ट पोजिशन यहाँ पे लगा दिया। अभी हम लोग लेंगे जंप वाले बटन को एंड जंप वाले बटन को हम लोग सीधा लेंगे स्कोप के जस्ट नीचे एंड यार इसकी साइज को कर लेंगे 70। 20 रखने के बाद आप लोगों को जंप वाला बटन जो है इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस पोजिशन पे लगा देना है। अभी हम लोग लेंगे क्राउच वाला बटन, मेन इंपॉर्टेंट होता है क्राउच वाला बटन। अब काफी सारे जो बंदे क्राउच वाला बटन एकदम कोने में रखते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है 99% 2 फिंगर प्लेयर करता है क्योंकि कोने में रख देता है जिसकी वजह से क्या है कि गाइस यार आप लोगों का जो सेटअप वाले जल्दी से नहीं लग पाता है, मतलब एक फास्टली मूवमेंट में नहीं लग पाता है। लोगों को कुछ इस पोजीशन पे रखना है जो कि आप लोगों के लिए एक परफेक्ट पोजीशन होने वाली है। लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे रख देना एंड इसकी साइज को 70 कर लेना है। अभी हम लोग बात करते हैं फायर बटन। अब जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है फायर बटन जिसकी साइज एंड पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रखती है टैप मारने में एंड एक फास्टली लेवल का ग्लोअल एंड फास्टली लेवल का मूवमेंट करने में, क्योंकि अगर आप लोग फास्टली लेवल का मूवमेंट करना चाहते तो आप लोग फायर बटन की साइज को ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फायर बटन की साइज कभी भी आप लोगों को गाइस यार 40 से लेके एंड यार सीधा 60 तक आप लोग रख सकते हैं, उसके बीच में 40 से लेके 60 के बीच में आप लोगों को रखना है जिससे यार आप लोग इजीली तरीके से एक फायर बटन की साइज पाओगे एंड यार आप लोगों की डिवाइस के हिसाब से आप लोग 40 से लेके 60 तक के बीच में रख सकते हो। सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको गाइस यार 50 तक रखो जिससे यार आप लोगों का इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लगेगा। लोग इसकी साइज को हम लोग 50 कर लेते हैं एंड यार बेस्ट पोजीशन की बात की जाए तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपनी छुट्टी के अंदर बेस्ट फायर बटन को रख देना है जो यार आप लोगों का जो बेस्ट पोजीशन होने वाला है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो ये होता है प्रोन वाला बटन। प्रोन वाला बटन ऑलमोस्ट यार बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि बहुत ही कम यूज करते हैं, यार प्रोन वाला बटन जल्दी यूज में नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड इसकी साइज को हम लोग कर लेंगे नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे क्योंकि कभी कभी प्रोन वाला बटन भी काम आ जाता है, ऑलमोस्ट ज्यादा काम तो नहीं आता गेम के अंदर, फिर भी आप लोगों को यहाँ पे रख देना है। एंड यार अभी हम लोग चलते हैं राइट साइड की तरफ एंड राइट साइड की तरफ आने के बाद आप लोगों को गाइस यार कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करना, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों को वैसा बिल्कुल करना है। एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे जो कि आप लोगों का जो इमोट शो वाला इमोजी का जो कि आइकन है इसको लेना है एंड इसकी साइज को हम लोग मिनिमम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोजीशन पे रख देते हैं। एंड यार यहाँ पे जो बटन है और पेट का इमोट का बटन है एंड यार यहाँ पे जो कि एक वीडियो टाइप का कुछ आइकन दिखा रहा है, तो इस वाले दोनों बटन को गाइस यार हम लोग सीधा हाइड कर देंगे एंड यार हाइड करने से क्या होगा कि आप लोगों की HOD में दिखेगा नहीं कि ऑलमोस्ट यार कोई भी बंदा इस चीज को यूज नहीं करता है, तो हम लोग को जितनी HOD हम लोग दिखेगी उतना ज्यादा बेटर आप लोगों का मूवमेंट एंड यार कंफ्यूज फिंगर नहीं होगा। एंड अभी हम लोग ले लेंगे प्लेयर नेम आइकन को एंड प्लेयर नेम आइकन को बेसिकली हम लोग कर लेंगे साइज पे 30 पे कर लेंगे एंड 30 करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेना है इसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे रहता है। एंड अभी हम लोग लेते हैं मैसेज आइकन को एंड जो कि ये मैसेज आइकन जो कि हमारे गेम में कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग नहीं रखता, बेसिकली आप लोगों का जो फ्रेंड होता है वो मैसेज करता है तभी आप लोगों को दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज आइकन को लेंगे एंड यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस जगह पे रख देंगे जो कि आप लोगों को हमेशा दिखता रहेगा। सो अभी हमारी जो कि लेफ्ट साइड की जो कि कस्टम HOD मेन इंपॉर्टेंट आता है वो होता है कि रन वाला बटन। अब रन वाले बटन की साइज आप लोगों को 70 कर लेना है एंड 70 करने बाद कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पे यहाँ पे जस्ट मैप के साइड में नीचे रख देना है एंड जिससे एक बेस्ट पोजीशन मिलेगा। एंड अभी बात कर लेते हैं लेफ्ट फायर बटन की। लेफ्ट फायर बटन की साइज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अभी आप लोगों को उसको भी 70 कर लेना है, बट गाइस यार काफी सारे जो बंदे लेफ्ट फायर बटन का यूज नहीं करते तो आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन यूज करना चाहिए एंड ऑलमोस्ट आप लोग जाके फ्री फायर सेटिंग में जाके यूज उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे
मेडिकिट एंड बैकपैक की बात की जाए तो इसकी साइज़ को आप लोगों को मिनिमम आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड यार पोजीशन की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे कॉर्नर साइड में इस तरीके से जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ बैग एंड मेडिकिट की, तो उस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं जॉयस्टिक की बटन को। अब जॉयस्टिक की बटन को ऑलमोस्ट यार सारे बंदे नहीं जानते रहेंगे, तो मैं बता दूं कि आप लोग जॉयस्टिक की बटन के साइज से कोई भी लेन देन नहीं रहता। तो बेसिकली आप लोग साइज इसकी ऑलमोस्ट एकदम जीरो कर देना है। एंड यार आप लोगों को जीरो करने के बाद कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पर रख देना है, आप लोगों का इजीली तरीके से मूवमेंट भी होगा। एंड यार आप लोग जॉयस्टिक का इजीली तरीके से यूज भी कर पाओगे, एंड जिससे आप लोगों का जो एरिया कवर नहीं होगा ज्यादा। एंड अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लू वॉल की बटन की। एंड ग्लू वॉल की बटन की बात की जाए तो गाइस यार अगर आप लोगों का फोन कितना भी बड़ा या छोटा रहे, आप लोगों को इसकी साइज को 100 ही रखना है। एंड यार 100 रखने के बाद बहुत सारे जो बंदे हैं ना गाइस यार वो अलग पोजीशन पे रखे, लोगों को अपने ग्लू वॉल बटन को लेना है। एंड यार इसकी साइज को 100 करना है। एंड बेसिकली यहाँ पे रन वाले बटन के जस्ट नीचे साइड में थोड़े से गैप के पास रख देना, जिससे यार आप लोग इजीली तरीके से सिफ्ट अप वॉल एंड एक फास्टली लेवल का वॉल लगा पाओगे। एंड यार आप लोगों का जो लेफ्ट फायर बटन है वो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिवाइव एंड स्किल ये सब बटन के बारे में। तो ये सब बटन को बेसिकली हम लोग यहाँ राइट साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग लगा देंगे, जिससे यार इजीली तरीके से आप लोगों का मूवमेंट भी होगा एंड यार आप लोगों को कवर एरिया भी मिलेगा। तो बस यार गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों के कस्टम मैच्योरिटी बेसिकली आप लोग अपने गेम के अंदर यूज करोगे ना, टू फिंगर प्लेयर इजीली तरीके से सीख सकता है इस कस्टम मैच्योरिटी को। एंड यार आप लोगों का एक ओपी लेवल का मूवमेंट होगा। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।